हेलो क्वेर पीपल, स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल वी आर क्वेर में। आज हम 50 साल के अंकल की स्टोरी लेकर के आए हैं, जो उनके एक अधूरे प्यार की कहानी है, जिन्हें प्यार की तलाश बूढ़ा कर देती है, जिन्हें अपने भतीजी के ट्यूशन टीचर से लगाव हो जाता है और दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है, प्यार मोहब्बत हर एक चीज, लेकिन हर एक रिश्ते की तरह इस रिश्ते में भी कमी रह जाती है। जतिन अंकल और रौनक सर को संबंध बनाते धानी देख लेती है, और जब त्रिशा ट्यूशन टीचर को बुलाने जाती है, तब रौनक सर बाहर आकर के पढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। जतिन अंकल और रौनक सर के बीच सब कुछ हो चुका था जैसा मैंने बताया, पर रौनक सर की हिम्मत नहीं थी खुद को एज अ गे एक्सेप्ट करके रिश्ते को कबूल कर लेते। वक्त गुजरता गया और फिर रौनक सर और जतिन अंकल साथ रात गुजारते रहे। बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा था, सर का और जतिन अंकल के बीच कुछ तो है, ये उन्हें समझ में आ चुका था। तुषार ने त्रिशा से कहा कि भले रौनक सर हमारे साथ पढ़ाई में स्ट्रिक्ट है, पर अंकल और सर की काफी बनती है। त्रिशा कहती है, भाई तुझे कभी लगा था कि अंकल अपनी लाइफ में कभी किसी को ला पाएंगे? तुषार कहता है कि अंकल को प्यार चाहिए था, और जब तक हम छोटे थे उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड तक को छोड़ दिया हमारे खातिर, और बिना किसी को वक्त दिए सिर्फ बिजनेस और करियर पर ध्यान दिया। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि अंकल को किसी पर जल्दी से भरोसा भी हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने आज तक जिनको भी डेट किया सबसे उन्हें धोखा ही मिला है, एक नाउम्मीदी ही मिली है। त्रिशा कहती है कि पता नहीं इन दोनों का रिश्ता कहां तक जाएगा, या अंकल ने सच में किसी से प्यार किया था या भी नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो काफी छोटी थी तब, हमें कहां उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता है अभी भी, पर अब हम बड़े तो हो गए हैं ना, तो उनसे दिल की बातें पूछ ही सकते हैं, हमारे अलावा उनका है भी कौन। तुषार कहता है कि तेरे में हिम्मत है तो तू ही जाकर के पूछ ले, मैं चाचू की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनसे डरता भी हूं, इसलिए तू पूछ सकती है तो पूछ, और कह देना हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उनके किसी भी रिश्ते से, हम सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहते हैं, उनकी खुशी में हमारी खुशी है, और कहीं ना कहीं ये बात चाचू भी जानते हैं। तुषार अपने कमरे में चला जाता है इतना कह करके। त्रिशा की दोस्ती धानी ने जो दोस्त थी वो दोस्ती खत्म कर दी थी, और रीजन वही था, और ट्यूशन आना भी बंद कर दिया था धानी ने, क्योंकि उसने सब कुछ करते देख लिया था अंकल जी को, ठीक है, ट्यूशन टीचर के साथ में, पर ये बात धानी ने त्रिशा को नहीं बताई, वजह कि उसने ट्यूशन क्यों छोड़ा और क्या देखा था उसने। असल में धानी ने जो संबंध बनाते देखा था उसका गलत प्रभाव पड़ा था, जिस वजह से रौनक सर से धानी को प्रॉब्लम होने लगी थी। धानी को होमोसेक्सुअलिटी से प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो त्रिशा से भी ठीक से बात नहीं करती थी। दूसरी तरफ जतिन अंकल ने रौनक सर को साफ मना कर दिया था कि प्यार करते हो तो इस रिश्ते को छुपाओ मत, तुम सिर्फ एक टीचर हो, मेरा करोड़ों का बिजनेस है, मुझे कितने जानने वाले हैं, मेरे गे होने वाली बात से लेकर हर एक बात मेरे पुराने दोस्तों को, मेरे कलीग्स को, मेरे बिजनेस पार्टनर्स को, सबको पता है, मैं कुछ भी नहीं छुपाता, सोचो क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं 50 साल का हो चुका हूं रौनक, और मेरे लिए प्यार आसान नहीं है, अभी भी तुमसे मैं प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि तुमने इतना हक दिया ही नहीं, इतना भरोसा कभी दिया ही नहीं, साथ में सोना, साथ में टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे का दुख बांटना मैं समझता हूं, पर मुझे जिंदगी भर का साथ चाहिए, इतने सालों में कितने ही रिश्ते बनाए और कितने ही रिश्तों में रहता आया, पर हर कोई दिल से खेलकर, पैसे के लालच में तो कोई फैमिली प्रेशर, तो कोई किसी को समाज का डर, मुझसे ये सब ड्रामा नहीं होता, मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जिंदगी में, बहुत कुछ खोया भी है, मेरे साथ तुम्हें सोना अच्छा लगता है तो इट्स गुड, रिश्ता यहीं तक रखते हैं ना, फिर मैं एक परमानेंट रिश्ता चाहता हूं जिसके अंदर गट्स हो मुझे अपनाने का और सच्चाई के साथ प्यार का इजहार करने का, मेरे ऊपर दो बच्चों की जिम्मेदारी भी है जो मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, मेरी खुद की औलाद भी होती तो शायद त्रिशा और तुषार के जितना प्यार नहीं मिलता मुझे उनसे, तुम त्रिशा को पढ़ाते हो, मेरी केयर भी करते हो, पर इन सब के बावजूद तुम दुनिया से खुद को छुपा रहे हो और हमारे रिश्ते को भी, इतना वक्त दिया है तुमने, तुम्हें मैंने और तुमने भी दिया, इतना साथ भी गुजारा, एक दूसरे को समझते भी हैं, पर
इस उम्र में मुझे एक साथ देने वाला जीवन साथी चाहिए। छुप छुप कर हुकअप ही करना है तो मैंने बहुत किए हैं और आगे भी कर सकता हूं। रौनक सर शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं और फिर बिना कोई जवाब दिए जतिन के घर से चले जाते हैं, क्योंकि काफी गर्म माहौल हो गया था, तनाव बढ़ चुका था और रौनक सर अपनी माँ और दो छोटी बहनों के साथ रहते थे और उन्होंने आज तक सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज्जत को ही देखा था। उन्हें लगता था कि टीचर की इज्जत सबसे ऊपर है, वो नहीं जानी चाहिए, जिस वजह से वो जतिन के साथ रिश्ता तो रखना चाहते थे पर छुप छुपा कर साथ रहने वाला रिश्ता, जो कि जतिन अंकल को मंजूर ही नहीं था और रौनक सर की अपनी ही मजबूरी थी। इसलिए रौनक सर ने जतिन को रिश्ता खत्म करने के लिए हाँ कह दिया और फिर दोनों ने फाइनली ब्रेकअप कर लिया था। और फिर जतिन अंकल अपनी पुरानी रूटीन में रोज की तरह काम पे जाना, त्रिशा स्कूल से लौटने के बाद सोचती है कि अंकल से आज बात कर लूं, कुछ दिनों से काफी दुखी भी दिख रहे हैं और उनसे दिल की बात तो पूछ ही सकती हूँ। वो हिम्मत कई दिनों से जुटा रही थी पर आज फाइनली सोचती है कि अंकल से उनके दिल की बात पूछती हूँ, पर सब अलग अलग सा लग रहा था, अंकल काफी दुखी लग रहे थे। तब त्रिशा ने हिम्मत की और पूछा, चाचू आप फ्री हैं क्या? जतिन अंकल ने कहा कि बेटा फ्री तो नहीं हूँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं अपना काम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख सकता हूँ, होल्ड पे रख सकता हूँ। त्रिशा ने पूछा कि अंकल रात डिनर साथ करेंगे या बाहर चलेंगे, बाहर जाएंगे? जतिन अंकल ने कहा कि बेटा एक कॉर्पोरेट वालों की पार्टी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जाना जरूरी है, हम फिर कभी डिनर साथ कर लेंगे। त्रिशा मान जाती है। त्रिशा ने असल में टॉपिक चेंज किया था, उसकी हिम्मत नहीं हो पाई उनसे बात करने की। रात जतिन पार्टी में गए, कभी ड्रिंक करते नहीं थे जल्दी से, पर रौनक से ब्रेकअप का दुख और इस उम्र में एक प्यार की ना उम्मीदी पाना उनके लिए काफी दुखद था। उन्होंने काफी सारे पैक्स लगा लिए और नशे में चूर हो गए, नशा थोड़ा ज्यादा हो गया। लड़खड़ाते हुए जतिन वेटर से टकराए और फिर बगल में खड़े एक यंग और क्यूट से जवान लड़के से जा टकराए। उसने जतिन को संभाला, वो क्यूट सा लड़का रुद्राक्ष था जिसने अभी अभी जतिन की कंपनी ज्वाइन की थी और उसे जतिन के बारे में ज्यादा चीजें पता भी नहीं थी। पर उस रात रुद्राक्ष ने जतिन को संभाला और उनके कपड़े पर गिरे ड्रिंक की वजह से कपड़े गीले भी हो गए थे तो उन्होंने चेंज भी कराया। रुद्राक्ष ने जतिन को कार तक ड्रॉप भी किया, जतिन को ड्राइवर ने घर तक ड्रॉप किया और फिर अगले दिन रुद्राक्ष ने जो मदद की जतिन की वो सब याद आने लगा कि आखिर कौन था वो नौजवान। जतिन ने सोचा कि उस लड़के को थैंक्स कह देता हूँ, थैंक्स कहना तो फर्ज बनता है। जतिन ने पता लगवाया, पता किया कि कल रात किसने जतिन को कार तक ड्रॉप किया, कपड़े चेंज कराए, हर एक चीज, पर जतिन को पता नहीं चल पाया। कई लोगों से पता करवाया, अब नई नई ज्वाइनिंग थी तो किसी को रुद्राक्ष याद नहीं था। अब एक और मीटिंग थी कुछ दिनों के बाद जहां जतिन के सारे ऑफिस के लोग इन्वाइटेड थे, जतिन भी गया, लेकिन जतिन इसलिए गया था क्योंकि उस लड़के का पता चल जाए जिसने उस दिन हेल्प करी थी, क्योंकि इतना प्यार इतना केयर बिना किसी को जाने मिले समझे आखिर किसी का भी दिल छू जाए। जतिन ने जाते ही हर तरफ उसे ढूंढा, देखा पर रुद्राक्ष कहीं नहीं दिखा। जतिन अंकल अपसेट हो गए और ड्रिंक करने लगे, तभी ठीक बगल में अचानक से रुद्राक्ष आटप का और जतिन को हाय हेलो किया और अपने बारे में बताया, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया। जतिन अंकल के चेहरे पर स्माइल थी, वो बस उसे देखते रह गए। रुद्राक्ष ने जब बताया कि वो किस कंपनी के लिए है काम करता है तब पता चला कि वो कंपनी किसी और की नहीं जतिन की है और रुद्राक्ष अपने बॉस के भी बॉस के सामने खड़ा हुआ है और रुद्राक्ष उन्हीं का एम्प्लॉय है, ये सब जान करके दोनों के दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। खैर जतिन ज्यादा शॉक्ड तो नहीं हुआ कि हाँ, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज को नहीं जानता और बहुत कम ही जाते हैं अपने ऑफिस में विजिट करने, बाकी तो उनके मैनेजर्स जो बाकी के सीईओ है वो सब कुछ देख लेते हैं। जतिन को पता चला कि रुद्राक्ष काफी टैलेंटेड है, दोनों की काफी बातें हुई और उसकी ईमानदारी भी देखी, साथ ही साथ बहुत मैच्योर भी है रुद्राक्ष, उसके हर एक बात इंप्रेस करते जा रही थी। उस दिन के बाद से जतिन अंकल और रुद्राक्ष फोन कॉल पर किसी न किसी बहाने से बात करते, बातें होती गई, दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई, दोनों की बातें होते 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 फाइनली एक दूसरे को प्यार तो हो गया, फिर वही प्रॉब्लम आ गई इजहार वाली। हिम्मत नहीं थी रुद्राक्ष की क्योंकि जतिन सर काफी रिच और बॉस के भी बॉस थे
ऊपर से उम्र का इतना ज्यादा फासला। पर दोस्तों जब मोहब्बत हो जाए तो कहां कोई चीज मैटर करती है, ये तो सिर्फ उम्र थी। वक्त गुजरा और जतिन सर जिस ऑफिस में जल्दी विजिट नहीं करते थे, अब वहां रुद्राक्ष की प्रमोशन पे प्रमोशन करवाने लगे। इस बार जब दोनों ने बताया कि वो गे है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, तो जतिन ने कॉफी पर इनवाइट कर दिया रुद्राक्ष को, और वहां ले जा करके रुद्राक्ष को फाइनली प्रपोज भी कर दिया। रुद्राक्ष ने प्रपोजल के बारे में थोड़ा सोचा और फिर मना कर दिया, क्योंकि रुद्राक्ष काफी मैच्योर और समझदार लड़का था। उम्र भले ही कम थी पर उसे पता था कि अभी के वक्त में प्यार मोहब्बत और ये जो टेम्प्रेरी रिलेशनशिप होते हैं उसके बाद क्या होता है। रुद्राक्ष ने कहा कि सर मेरे लिए आपका पैसा एज मैटर नहीं करता, या फिर आप मेरे बॉस के बॉस हो वो भी मैटर नहीं करता, मैं डायरेक्ट गे मैरिज करना चाहता हूं। मेरे घर पर मेरे दोस्त यार सभी को पता है मेरे गे होने वाली बात। आपके साथ तभी रिश्ते प्यार सकता हूं जब आप सबके सामने मुझे हमारे रिश्ते के बारे में बताएंगे और मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मुझे कोई ये झूठ ढकोसला चुपके चुपके प्यार करना ये सब नहीं चाहिए। जतिन अंकल ने जब रुद्राक्ष की बातें सुनी वो खुशी के मारे झूम उठे। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली 50 की उम्र में एक ऐसा बंदा उन्हें मिल गया था जिसका उन्हें मानो 50 सालों से ही इंतजार था। जतिन अंकल ने हग कर लिया रुद्राक्ष को और शादी के लिए भी प्रपोज किया। रुद्राक्ष बहुत खुश हुआ। जतिन ने अपने परिवार और बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया था रुद्राक्ष को, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बल्कि त्रिशा और तुषार से तो रुद्राक्ष की काफी अच्छी बनने लगी थी, क्योंकि वो आते जाते थे, आपस में मिलते थे, बात करते थे। बच्चे तो बहुत खुश हुए और हर तरफ दोनों के गे मैरिज की खबर फैल गई, क्योंकि जतिन अंकल को पूरा शहर ही जानता था। शादी का सुनकर रौनक सर ने कॉल किया, वही रौनक जो कि अब जतिन अंकल के एक्स हैं। तब जतिन अंकल ने कहा कि छुप छुप कर मुझसे तो प्यार हो नहीं सकता था, और हमने अच्छा डिसीजन लिया एक दूसरे से दूर होकर के। फाइनली अब मैं अपने प्यार के साथ हूं। तुम शायद दुनिया के सामने हमारा प्यार कभी कबूल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी शादी हो रही है और तुम भी शादी में आमंत्रित हो, जरूर आना। इतना कहकर ही कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से जतिन अंकल और रुद्राक्ष की शादी हुई, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा। रुद्राक्ष के जैसा समझदार और प्यार करने वाला उन्हें कभी नहीं मिला था। दोस्तों ये प्यार की तलाश की कहानी फाइनली यही खत्म होती है, और इस स्टोरी से सीख मिलती है दोस्तों कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपको फाइनली जब लगता है कि कोई परफेक्ट मिल गया जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हो, या फिर जो आपको वैसा एक्सेप्ट करे जैसे आप हो और जिसको डर ना हो समाज का आपको एक्सेप्ट करने में, वो अपने फैमिली से लड़ जाए या फिर दुनिया के किसी बदनामी से ना डरे। खैर ये अपनी रिक्वायरमेंट थी जतिन अंकल की, सो उन्हें उनके जैसा मिला, लेट से मिला क्योंकि जो क्राइटेरिया थी वो कुछ अलग था। तो वैसे ही अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कब मिलेगा प्यार, शायद नहीं मिलेगा, सबको नसीब हो तो हाँ होता है लेकिन एक वक्त के बाद। जैसे 50 साल की उम्र में अगर जतिन सर को प्यार मिल सकता है तो अभी आप अपनी उम्र देखिए, होप कभी ना खोइए, हर उम्र में प्यार हो सकता है और सच्चा प्यार कभी भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो दोस्तों स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। लव इज लव।